लामू जिले के कौड़िया पंचायत अंतर्गत ग्राम गनके में मेगा डेयरी प्लांट का किया गया भव्य उद्घाटन। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सहित मनिका विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रामचंद्र सिंह चेरो भी हुए शामिल। मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने महाराजा मेदनी राय की उक्ति, धनी धनी राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया लोकोक्ति को चरितार्थ हेतु हेमंत सोरेन को दिया धन्यवाद। तो वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्लांट में स्थानीयता को प्राथमिकता देते हुए स्थानीय लोगों को प्लांट में नौकरी हेतु डेयरी संचालक को दिया निर्देश। मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने हेमंत सरकार की कार्यों की तारीफ करते हुए कहा, हेमंत है तो हिम्मत है। मेघा डेयरी उद्घाटन के अवसर पर प्लामू जिले के विभिन्न प्रखंडों के कई किसानों के बीच दुधारू पशुओं का किया गया वितरण। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार। खबर जिले के मेदिनीनगर से, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्य अतिथि कोड़िया पंचायत अंतर्गत ग्राम गनके में प्लामू जिले के किसानों को आर्थिक विकास के लिए मेघा डेयरी प्लॉट का उद्घाटन किया। प्लामू की धरती के लाल और झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, लातेहार मनका विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रामचंद्र सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल। अतिथियों का स्वागत स्थानीय आदिवासी संस्कृति टीमों ने मादल और नगाड़ों की धुन पर अतिथियों का सम्मान करते हुए उन्हें मंच तक विराजमान कराया। वहीं मंच पर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया गया। कई वर्षों से प्लामू में दुग्ध उत्पादन के लिए यह प्लॉट अपनी पहचान के लिए मोहताज था। हेमंत सोरेन की सरकार ने प्लामू जिले के वासियों को एक और नायाब तोहफा के रूप में मेधा डेयरी प्लॉट का उद्घाटन कर किसानों को स्वावलंबन बनने का शुभ अवसर दिया। रिमझिम बारिश के फुहारों के बीच मंत्री का शुभागमन से लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। मनका विधायक रामचंद्र सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन को प्लामू परमंडल के महान प्रतापी राजा मेदनी राय से तुलना करते हुए कहा कि जिस प्रकार मेदनी राय के शासनकाल की स्वर्णिम गाथा की लोकोक्ति धनी धनी राजा मेदनिया घर घर बाजे मथनिया चरितार्थ करता है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हेमंत सोरेन ने पलामू वासियों को दुग्ध उत्पादन के लिए 75 से 90% तक अनुदान के साथ मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत किसानों को गाय भैंस बकरी सुगर मुर्गी पालन बतख पालन देकर किसानों को स्वावलंबन बनने के लिए मेधा डेयरी प्लॉट लगाया गया। तो वहीं बादल पत्रलेख ने भी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है, जबकि रामेश्वर उरांव ने कहा कि हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ऊंचा है, इसीलिए इस डेयरी प्लॉट में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी पर रखा जाना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अभिभाषण में कहा कि पशुपालक को प्रति लीटर 3 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। कहा, दुग्ध उत्पाद क्षेत्र में किसान आगे बढ़े, किसानों को स्वावलंबन बनने के लिए अगर यहाँ पर दर्जनों दर्जन ऐसे प्लॉट खोलने पड़ेंगे तो इसके लिए सरकार हमेशा तत्परता के साथ खड़ी है। वहीं प्लॉट परिसर में कृषि व पशुपालन से संबंधित कई स्टॉल भी लगाए गए, जहां दूर दराज से आए किसानों ने जानकारियां हासिल कर अपनी खेती व दूध उत्पादन में अपनी जानकारी के स्तर को और भी मजबूत किया। आइए देखते हैं मेधा डेयरी प्लॉट उद्घाटन की ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन में, अजय कुमार। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ मेदिनीनगर चियाकी गनके ग्राम में, जहाँ पर आज मेघा डेयरी प्लांट का उद्घाटन करने हमारे माननीय झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उपस्थित हुए हैं। और लगातार हमारे चैनल के साथ यहीं बने रहिए। कार्यक्रम की पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग, किन किन मंत्रियों का आज यहाँ शुभागमन हुआ, वो सारे मंत्रियों का जो अभिभाषण है वो आप लगातार हमारे चैनल के साथ देखने के लिए लगातार बने रहे। किसानों के लिए आज के इस ऐतिहासिक दिन पर, जहाँ किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार द्वारा और एनडीटीवी साथ मिलकर एक भव्य डेयरी फार्म के इस उद्घाटन कार्यक्रम में ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत सारी बातें मंच पे आई, बहुत लंबे समय से आप यहाँ उपस्थित है और मैं विधिवत रूप से लंबे समय से इस डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन का आप इंतजार कर रहे हैं। महीनों से
देख लो इस प्लांट पे आने की योजनाएं हम लोगों की बन रही थी, किसी न किसी कारणों से समय में परिवर्तन होता गया और जब हम लोगों ने आज ये तय किया कि हाँ इस प्लांट का उद्घाटन करना है तो मौसम में इस तरीके से अपना रूप बदला है। आज भी ये उम्मीद कर दीजिए हम सब लोग यहां उपस्थित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन लगता है किसानों की आवाज गरीबों की आवाज जरूर भगवान की, और यही वजह है कि आज आप सब किसानों के साथ इतने विपरीत मौसम में भी हम सब लोग शरीक होने में कामयाब हो पाए। पलामू जिला, गढ़वा जिला हमारे किसान भाइयों के लिए सदियों से चुनौती बढ़ा रहा है। और अब तो इस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें तो सबसे अधिक किसानों को ही प्रभावित होना पड़ रहा है, चाहे वो झारखंड का किसान हो चाहे वो देश का किसान। आज काफी खुशी है कि राजा मेदिनी राय की धरती में एक कहावत था कि राजा मेदिनिया घर घर बाजे मथनिया, दुख से समान था। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने पलामू के इस धरती पे राजा मेदिनी राय के धरती पे यह करके उन्होंने दिखा दिया, और जो यहाँ के लोगों के विकास के लिए उन्होंने शुरुआत किया है निश्चित रूप से यह मील के पत्थर साबित होगा। और सभी क्षेत्र में यदि हम इस पर आधारित हम सभी काम को करेंगे तो जो गांव के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, सभी लोग बिजनेस और फैक्ट्री वगैरह उस तरह के काम में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो पशु पालना दूध से काम है लेकिन सटा हुए ये गांव बन के दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। जमीन ज्यादा नहीं है तो बचपन से इस गांव में आता रहा हूँ, ये बीज गुणन प्रक्षेत्र यहाँ था, पहले फार्म था सरकार का, यहाँ आता रहा हूँ। फार्म बाबू जो होते थे उनके साथ दोस्ती रहती थी हम लोग की, कमर परिवार की, वो भी आते थे हमारे घर, भी आता था इस क्षेत्र में, गिरा हूँ उठा हूँ लेकिन आगे चलता हूँ, ये आपको जानते होंगे मुझे बताना। इस प्रमंडल के लिए आज यह ऐतिहासिक दिन है और यह सब माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच का नतीजा है जो धरातल पर उतर रहा है। जिसको झारखंड लाने का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, जब 1 अप्रैल 2014 को जब ये पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री बने थे चावल रहने की सरकार थी, उस समय ही इन्होंने झारखंड के विकास की खातर नींव को खींचा था, जिसमें दुग्ध उत्पादों के लिए भी एक सपना देखा था, उसके तहत एनडीडीबी को जिन्होंने यहाँ आने की इच्छा जताई थी उसके साथ सरकार का एमओयू किया था। क्या है तुरंत आप इसका एमओयू फिर से करो, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एमओयू हुआ, आमंत्रण हुआ और आज उसका नतीजा है कि साहेबगंज के बाद ये पलामू डायरी जो दूसरा डायरी है और इससे पहले सारा
तीन जारी का क्रमशः सालों में सत्ता में आई थी तो उस समय पर डे 50,000 लीटर के आसपास मिल्क का प्रोक्योरमेंट था जेएमएफ के द्वारा। आज यह आंकड़ा लगभग 2.5 लाख लीटर से पूरा है। हमने एक टास्क दिया था सुधीर बाबू को, डीएम साहब को और इनके सभी साथियों को, ये सरकार जाते जाते यह आंकड़ा 5 लाख लीटर पर डे छूना चाहिए, जो कि भारत के अन्य राज्यों के तुलना में फिर भी कम होगा, लेकिन 50,000 से 5 लाख का सफर कम नहीं होता। और आज ही सफर हम लोग तय कर चुके हैं, 14 महीना और बाकी है और इस 14 महीने में हम लोग मुख्यमंत्री पशुधन योजना और तरह तरह की योजनाएं जैसे किसी जो डेयरी प्लांट का जो उद्घाटन हुआ आज यहाँ पे कुछ गाय भी वितरण करना है या जी बताना है इसके बारे में? मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत गाय वितरण करना है सर। तो मैं जानने का प्रयास करूँ कहाँ से, किस डिपार्टमेंट से आप लोग? हम लोग सर गव विभाग से हैं, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में हम लोग गाय सप्लाई करते हैं। आज भी कुछ वितरण होना जी? 5 गाय आज वितरण होना है। कौन कौन से नस्ल के गाय वितरण? साहिवाल क्रॉस में है, फ्रिजियन है, गिर है, थरपाकर है, सभी नस्ल के गाय भैंस भी है, मुर्रा। कहाँ कहाँ के लोगों को ये चयन किया गया है? चैनपुर प्रखंड का 2 लोग है, एक छतरपुर का है और 2 नवा का है, 1 पांकी का है। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।